करें। नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। लगातार जो है सिख कौम के द्वारा बंदी सिखों को रिहा करने की मांग की जा रही है और आज एक अनोखा प्रदर्शन देख सकते हैं आप। जंजीरें डालकर किस तरीके से तमाम जो सिख कौम के सदस्य हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। 1984 की बात की जाए तो उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, जब जो है सैन्य हमले हुए थे धर्म स्थानों पर उस वक्त, जब उसके बाद जिन सिखों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया था उन सिखों को नजरबंद किया गया था। और आज लगभग 30-30, 32-32 साल हो चुके हैं जिसके बाद अभी भी जो बंदी सिख है वो उसी तरीके से नजरबंद है, जिसके चलते एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो सिख कौम के सदस्य हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी का कहना है कि जो बंदी सिख अपनी सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा किया जाए। हम मांग जो भी बातचीत है वो एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। परमजीत सिंह प्योरा तेरी सोच ते भाई जगतार सिंह हमारा रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। तो एक बार जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जंजीरें पाकर जो है सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ अभी तक जो है आपकी मांग मानी? एक्चुअली आपकी हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, हम किसी से राजपाट नहीं मांग रहे हैं। हमारे 27-27 साल से 32-32 साल से जो सिख हैं वो आज तक जेलों में बंद है, लेकिन सरकार रिहा करने की बात नहीं कर रही है। उसी को लेके कौमी इंसाफ मोर्चा जो लगा हुआ है उसी को लेके आज जो करनाल के नौजवानों की ओर से पैदल रोष मार्च किया जा रहा है और बंदी सिंहों को रिहा कराने के लिए जो मोर्चा है उसको सॉलिड बनाने के लिए संगत जा रही है। नजरबंद किया गया अभी तक भी? जी, आज तक भी उन्हें बेड़ियों में रखा गया है, बेड़ियों से जमानत तक उनकी पेश नहीं की, चलान तक उनके पेश नहीं किए जाते। उसी को लेके आज भारी इसी कौम में बहुत रोष है कि हमारे साथ अलपराई माजा सा व्यवहार क्यों, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक बंदी सिंह रिहा नहीं होंगे तब तक हम किसी कीमत और पीछे नहीं हटेंगे। अभी यहाँ से कहाँ आगे जाओगे? अभी यहाँ से सीधा मोहाली है हमारा रूट, ये पैदल मार्च रहेगा। रात का स्टे हमारा शाहबाद के अंदर रहेगा और शाहबाद से फिर सुबह से जो है हमारी पैदल मार्च शुरू होगा। बिल्कुल, जो नजरबंद सिख है लगभग 30-32 साल हो चुके हैं उनकी रिहाई की जो है ये मांग की जा रही है और भी हम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, 30-32 साल अब तक हो चुके हैं? देखो जी, संविधान सबके लिए एक है, सरकारों ने आज तक उनको कैद क्यों करके रखा? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका समाज नहीं है? और ये एक इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत को आगे आना चाहिए। आज हमें 36 बिरादरियों का प्यार मिला है और हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सारे समाज हमारे साथ, सारे वर्ग इकट्ठे होके मोहाली के लिए निकल चुके हैं हम। और आज रात हम शाहबाद रुकेंगे और कल मोहाली जो बंदी किसान मोर्चे का, बंदी मोर्चे का जो बंदी सिंह मोर्चा लगा हुआ है उसको और मजबूत करेंगे। तो सर लगता है कि सरकार ने अब तक कोई बात नहीं मानी, पहले भी कई बार ऐसा प्रदर्शन देखा गया? देखो जी, पहले भी बहुत बारी ऐसा हुआ है, बहुत बारी मोर्चा लगा है, बहुत बारी ऐसा हुआ है कि कई बार मोर्चा भी बेच के लोग खा गए हैं, पर इस बार मोर्चा पक्का लग चुका है मोहाली। और हम चाहते हैं कि सिर्फ कि इंसानियत की लड़ाई है, इंसान जरूर बीच में आए, साथ रले, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अकेले के हमारे लिए नहीं है या सिख समाज के लिए नहीं है। कल को किसी भी वर्ग का ऐसा इंसान हो सकता है जो जेलों में कैद है, जो जेलों में निकाला नहीं गया, और संविधान सबके लिए एक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जंजीरें पाकर सड़कों पर उतरे और मोहाली जो है ये मोर्चा जाना है। 1984 की बात की जाए तब से जो है कई लोग जो है अब तक जेलों में हैं, बंदी सिख जिन्हें कहा जा रहा है, और उन्हीं की रिहाई की ये मांग जो है करते हुए सिख कौम नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पहले भी जो है इसी तरीके से एक जत्था मोहाली के लिए रवाना हुआ था और अब तमाम लोग एक अलग प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी सिख जिनको अभी तक भी नजरबंद कर जेलों में रखा गया उनको रिहा कर देना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय वो भी बताएं और अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। करनाल की ये तस्वीरें हैं, आगे जो है इसी तरीके से चलते हुए शाहबाद जो है ठहराव रहेगा, उसके बाद मोहाली की तरफ जो है ये बढ़ने वाले हैं। तो अपील रहेगी लोगों से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हाँ करो, हाँ करो।
रंजीत सिंह रिहा करो।